हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी फाइल। आज जो दिल्ली पुलिस का 6 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है, मैं उसकी एनालाइज़ करने वाला हूँ। तो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आज 6 दिसंबर का दिल्ली पुलिस का एनालाइज़ करते हैं एग्ज़ाम को। तो जो जनरल अवेयरनेस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इकोनॉमिक्स के, जैसा बताया गया मुझे, वो इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्योग्राफी के 8, साइंस के 10 में से 12 हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है साइंस का है और करंट अफेयर का है। करंट अफेयर 10 है और साइंस में कितने, 10 या 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो बाकी रिमेन बचे हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोलॉजी एनवायरनमेंट में से हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट होती क्या है, जिसमें आपके हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हस्बेंड्री से एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऑथर्स के नेम भी आ रहे हैं। जैसे बुक लिख लेते हैं कोई ऑथर तो उसका नाम भी आ रहा है। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, मैथ सेक्शन में से क्या आया है। मैथ सेक्शन में से CISI के 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन में से 3, एज के 2, परसेंटेज में से 2 आ रहे हैं और पार्टनरशिप में से 1 आ रहा है। जैसे बच्चे बता रहे हैं कि सारे क्वेश्चन ईजी ही आ रहे हैं, ठीक है ना, कोई डरने की बात नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे मेरे को अभी 2-3 क्वेश्चन ही पता चले हैं तो मैंने उनको डाला है, जैसे मेरे को और क्वेश्चन पता लगेंगे तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। तो चलो देखते हैं मैथ के और कुछ जीके के क्वेश्चन। ठीक है, जीके में क्या 2 क्वेश्चन आए थे, हाउ मैनी मेंबर रिटायर फ्रॉम राज्यसभा एवरी 2 ईयर। राज्यसभा में से हर 2 साल बाद कितने मेंबर रिटायर होते हैं, तो कितने मेंबर रिटायर होते हैं, 1/3 ऑफ टोटल, जितने भी टोटल होते हैं उनके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। टोटल कितने होते हैं, 250 मेंबर। व्हाट इज़ द टर्म, और राज्यसभा में 250 होते हैं, लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लोकसभा में होते हैं 552 मेंबर। दूसरा क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। टर्म पूछ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो होती है 6 साल और जब तक वो 65 ईयर की एज कम्प्लीट निकल देता, जब तक वो क्या रहता है अपनी पोस्ट पर बना रहता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। मैथ के जो क्वेश्चन बताए थे एडिटेड डिजिट नहीं आई, लेकिन मैंने डिजिट अपनी तरफ से लिए, तो बच्चे ने बताया था कि कुछ ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, टाइप यही था लेकिन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 का CP 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 के SP के बराबर है। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो आप निकाल दीजिए, CP 10 आ गया और SP कितना आ गया, 8। तो इसमें क्या हो रहा है, ये लाभ आ रहा है या हानि आ रही है। तो सिंपल सी बात है, जब हमारा CP 10 है और SP हमारा कितना है, 8 है, तो हमको हानि होगी। नेक्स्ट कौन सा था, 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ आएगा चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस इज इक्वल टू होता है R/100 का होल स्क्वायर। रेट कितनी दे रखी है, 5 लिख लेना, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो, और यहाँ पर आता है P, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इससे। तो यही क्वेश्चन मुझे पता चले हैं, अगर जो मेरे को और अपडेट मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अपडेट मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।